अगर आपको इस तरीके की डिज़ाइन करना है, इस तरीके की डिज़ाइन सीखना है, आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिए। अगर ऑनलाइन के ज़रिए इस तरीके की डिज़ाइन आपको डीपली सीखना है, समझना है, कलर कॉम्बिनेशन के बारे में और बारीकी से और अच्छे से सीखना है, अपनी डिज़ाइनिंग में चार चांद लगाना है, तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें और ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस तरीके की डिज़ाइन हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। ये बना हुआ है 10x2.25 इंच का बना हुआ है। तो चलिए यही साइज़ मैं भी ले लेता हूँ, 10x2.25 इंच ले लूँ या इससे छोटा या बड़ा कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ कर ही लेता हूँ 10x2.25। ये साइज़ हमारा बन के तैयार हो गया। अब मुझे क्या लेना है, सबसे पहला स्टेप यहाँ चलना है, हमें कंटूर टूल लेना है। कंटूर टूल लेने के बाद ऐसे कुछ एक अंदर में एक बॉक्स हम इसे बनाते हैं, ये बॉक्स हमने बना लिया कुछ इस तरीके से। अब इसको कंट्रोल के कर रहा हूँ, कंट्रोल के हो गया और इसी को सिलेक्ट करके कंटूर टूल के ज़रिए एक और बॉक्स ऐसे मैं बना रहा हूँ। तकरीबन ये बन गया, ठीक है इतना। ये इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लिया, अब इसको कंट्रोल के कर देता हूँ, इससे थोड़ा सा ये अलग हो गया। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद नहीं, अभी नहीं सिलेक्ट करना, बल्कि इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से यहाँ देखेंगे, यहाँ चलेंगे, सेकंड स्टेप पर चलेंगे, स्कैलप्ड कॉर्नर लिखा हुआ है ये वाला करके, फिर उसके बाद में यहाँ से इसे हम बढ़ाएंगे। ये तकरीबन यहाँ तक मैंने बढ़ा दिया, यहाँ तक ठीक लग रहा है ना। अब यही वाला टूल मैं दोबारा ले लेता हूँ, इसको थोड़ा सा और अंदर के साइड में कुछ इस तरीके का ऐसे बना दिया। ये मुझे लगता है थोड़ा सा मैं और कर लूँ, ये इतना काफ़ी है। ये आर्टवर्क बनके तैयार हो गया। अब इसमें हमें कलरिंग करना है। कलर करने के लिए ये वाला सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट F11 करते हैं और ये जो स्लाइडर है, इस स्लाइडर को हम यहाँ लेके आते हैं, येलो और रेड के दरमियान में लेके आते हैं और ये कलर करते हैं हम थोड़ा सा डार्क टोन लेकर के। इसे डार्क लाइट अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसे डार्क टाइप का बना दिया, इसको कर दिया मैंने ओके, ठीक है। अब ये वाला लेता हूँ मैं, ये वाला लेने के बाद दोबारा फिर वही चलता हूँ मैं और वही ऑप्शन दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ कि दोनों के दरमियान में रखता हूँ ये स्लाइडर, यानी येलो और रेड के, और कुछ इस टाइप का कलर, थोड़ा सा लाइट कलर, जैसे ये लाइट कलर है ना, थोड़ा सा हम लाइट कलर ले लेते हैं, लाइट ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। या थोड़ा सा और इसे डार्क कर देता हूँ, तकरीबन ये थोड़ा सा उससे टोन चेंज हो गया, अच्छा लग रहा है ये। अब ये वाला कलर ले लेते हैं, मतलब ये बॉक्स लेकर के अब इसमें कलर करते हैं, ये वाला कलर। अगर हम चाहें यही सेम कलर लेना हो तो हम यहाँ से भी इसे क्लिक करके इसे ये ले सकते हैं, ये ले लिया कलर, चलिए यही चलने देते हैं, ये भी तरीका आपने सीख लिया। तो इस तरीके से ये वाला कलर ले लिया, अब हम चलते हैं ये वाला लेते हैं। ये लेने के बाद और शिफ्ट F11 करके ये स्लाइडर यहाँ लेके आता हूँ, थोड़ा सा ऊपर और कुछ इस तरीके का, या थोड़ा सा रेड स्टोन में और कर देता हूँ, नीचे लेके आएंगे थोड़ा सा रेड स्टोन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, बहुत कम भी नहीं करना है, तो कुछ इस तरीके का हो गया ये रेड स्टोन। अब मुझे लगता है एकदम परफेक्ट बन गया। अब सबको सेलेक्ट करके इसकी आउटलाइनिंग मैंने नन कर दिया और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। यहाँ आप देखिए, ये मेरे पास दो आर्टवर्क है, ये आर्टवर्क मैंने यूज़ कर रखा है। यहाँ पर आप देखिए तो किस तरीके से ये डिज़ाइन बनी हुई है, ये देखेंगे जूट की डिज़ाइन है, ये कैसे इफ़ेक्ट दिया गया है, इसी जूट की डिज़ाइन से मैंने इसमें इफ़ेक्ट दे रखा है। और ये हम लाएंगे कहाँ, यहाँ आप चलेंगे, लिखा जूट बैकग्राउंड, जूट बैकग्राउंड में बहुत तरीके की डिज़ाइन आ जाएगी, इसमें जो आपको अच्छा लगे, जो बेहतर लगे, एकदम सिंपल सा हो, वही आप ले सकते हैं। जैसे ये है, आप इसको भी ले सकते हैं, इसको भी लगाना चाहें बड़े आसानी से, इसको भी आप अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें से कोई भी आपको सही लगे, एकदम प्लेन सी डिज़ाइन हो, ये प्लेन वाली डिज़ाइन आप बड़े आसानी से इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इस तरीके का ले रखा है, मैंने आपको आइडिया बता दिया, तो मैंने ये डाउनलोड कर रखा है। तो इसको हम यहाँ लेके चलते हैं, यहाँ रखेंगे इसे, ऊपर लेके अब थोड़ा सा चाहें हम इसको इसे बड़ा कर दें, इसके बराबर कर लें, या थोड़ा छोटा करके इसकी हम डबल कॉपी कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी टूल, याद रखना ट्रांसपेरेंसी टूल में चलना है। यहाँ चल करके करना है मल्टीप्लाई और यहाँ चल कर करना है 50% या और 60% या 70% कर लेते हैं और इसकी कॉपी बना लेता हूँ। यहाँ देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब ऑप्शन आपको मालूम है, ऑल्ट F7 करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसे ये अप्लाई कर दिए, तो ये जो है इसकी कॉपी बन गई। अब इन सबको इसे हमने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको बैक में सेंड कर रहा हूँ। बैक में सेंड करने के बाद W प्रेस करके इसके अंदर में डाल लेता हूँ। अब आप सोचेंगे W कैसे प्रेस कर दिया, W प्रेस करके कैसे अंदर चला गया, ना समझ में आए तो आप यहाँ ऑब्जेक्ट में जाइए, पावर क्लिप है और पावर क्लिप ये प्लेस इनसाइड फ्रेम, यही वाला ऑप्शन आ जाएगा, तो आप इससे भी कर सकते हैं। मैंने शॉर्ट कमांड बना रखा है इसलिए ऐसा हो रहा है। अब मैं करने वाला हूँ, जैसे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट की कॉपी करता हूँ साहब।
अब यहाँ से ग्रे स्केल 20 या 30% ले लेता हूँ, 30% ग्रे ले लिया, ऑल्ट बी इंटर कर दिया, और यहाँ पे मैंने 150 रिजोल्यूशन ले रखा है, CMYK ले रखा है, एंटी एलियाजिंग ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, ओके कर दिया। यहाँ बिटमैप पर चलेंगे, कलर ट्रांसफॉर्म हाफ टोन, यहाँ चलने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन ले लेंगे या थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, यहाँ पर ऐसे कर लेंगे। अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा डार्क डार्क है, बहुत ज़्यादा जो है बड़ा इसका डॉट है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको अंडू करता हूँ मैं, कंट्रोल जेड करता हूँ। यहाँ पर मैंने 30% ले रखा था, 30 के बजाय मैं लेता हूँ 20%, यहाँ देखेंगे 20% ब्लैक ले रखा है मैंने। तो अब दोबारा वही ऑप्शन अप्लाई करता हूँ, सेम वही, यहाँ चल करके यहाँ चलेंगे यहाँ, तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा ये जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ 4% का रखा मैंने, मैक्सिमम डॉट रेडियस क्या है ये 4, तो इसको मैं ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब हम यहाँ लेके आएंगे, और यहाँ लाने के बाद इसका भी ब्लेंड मोड हम चेंज कर लेते हैं, ओवरले कर देते हैं, ओवरले करके देख लिए या स्क्रीन करके देख लिए, मुझे लगता है स्क्रीन पर एकदम परफेक्ट आ गया। अब यहाँ इसको रख करके इसी के अंदर हम इसे डाल सकते हैं, शिफ्ट पेज डाउन कर दिया, नीचे चला गया, W प्रेस करेंगे, इसके अंदर डाल देते हैं, ये हो गया ये वाला पोर्शन, इसको मैं लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद ये वाला टूल लेता हूँ, ड्रॉप शैडो, ड्रॉप शैडो लेकर के यहाँ चलेंगे स्मॉल, और यहाँ पर ब्लैक कर देते हैं, यहाँ पर 10 कर देते हैं, 10 या थोड़ा सा और कम कर लीजिए, 6 कर लीजिए, और यहाँ पर डार्कनेस इसकी थोड़ी सी कम कर लीजिए 70 के आसपास। ये जो लिखा हुआ है रन बाय ब्रिंग स्माइल ट्रस्ट, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसे बॉक्स ले लिया, बॉक्स लेने के बाद यहाँ पर मैंने इसे ऐसे करके देख लेता हूँ कितना बड़ा है ये, इसका ये राउंड कर दिया, कॉर्नर इसका राउंड कर दिया, हो गया साहब। और इसमें कुछ अभी कलर कर लेता हूँ, बाद में सही कर लूँगा कलर, और यहाँ ला के इसको ऐसे रख देता हूँ। और ये कलर जो है इसमें 15% के आसपास आप जो है इसमें मैजेंटा कर दीजिए इसे, अब इसमें ज़्यादा डार्क है, आप चाहें तो इसमें भी और डार्क कर लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, 15 के बजाय 25% कर दिया, लो भाई हो गया। और ये जो इफ़ेक्ट है, ये इफ़ेक्ट कैसे बनाया गया है ये देख लीजिए आप, इसमें पहले मैं टाइप कर लेता हूँ जामिया सुफा इंटरनेशनल एकेडमी, और इसको मैं कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करके शिफ्ट F3 कर रहा हूँ, तो अपर केस यहाँ पर ऐसे कर दिया, और यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है वो है यही अरोया, अरोया करके फ़ॉन्ट है ये, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ऐसे। ये टेक्स्ट टाइप करने के बाद अब मैं जी प्रेस करता हूँ, मैं इस तरीके से इसे ड्रैग करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके, यहाँ पर जो कलर लेंगे वो थोड़ा सा इसे गोल्डन लुक में कलर लेंगे, यहाँ का कलर तकरीबन ये वाला कलर ले लेता हूँ, या थोड़ा सा तो ये कलर मुझे ठीक लग रहा है, ये वाइट वाला पोर्शन थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, तकरीबन ऐसे बना दिया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं F12 प्रेस करता हूँ, F12 करने के बाद यहाँ पर मैं 3 PT के आसपास में कर देता हूँ, बिहाइंड फिल ये करना ज़रूरी है, स्केल विद इमेज, स्केल विद ऑब्जेक्ट ये भी करना ज़रूरी है, और अभी फ़िलहाल मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहाँ पर देखेंगे ना, मैंने इसमें आउटलाइनिंग दे रखा है, और इसका कलर देखिए क्या ज़बरदस्त कलर है इसका। तो अब मैं फिर करता हूँ आउटलाइनिंग में कलर देने के लिए क्या होता है इसका शॉर्ट कमांड, शिफ्ट के साथ F12 करते हैं, तो ये वाला टूल लेकर के ये वाला कलर ले लेता हूँ ऐसे, ऐसे लेने के बाद अब मैं कर देता हूँ ओके। अब आप देखेंगे कितना प्यारा लग रहा है ये, कितना खूबसूरत लगने लग गया। अब ये टूल लेकर शेडो टूल लेकर के थोड़ा सा और खूबसूरत इसको हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लैक ले लेंगे, यहाँ पर कर देंगे 10 और यहाँ कर देते हैं 70, अब मेरे हिसाब से ज़बरदस्त दिख रहा है। और अगर और इसको ऊंचाई की ज़्यादा करना चाहें थोड़ा सा ऊंचाई ऐसे कर लीजिए, और ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उर्दू में लिखा हुआ है ये, तो ये हम उठा करके यहाँ हम लेके आएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं कि कैसे बनाया गया, क्या किया गया, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, तो ये टाइप करके डायरेक्ट इसे कलर करके रख दिया गया है। अब रह गया ये जो बना हुआ है, ये आपका एड्रेस है, एड्रेस को मैंने क्या किया था कि नाप लेते हैं कि कितना बड़ा होना चाहिए, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया एड्रेस, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया, इसको कर दिया वाइट, वाइट करने के बाद इसमें दोनों को सेलेक्ट करके सी कर दिया ताकि बिल्कुल सेंटर में हो जाए, यहाँ से राइट क्लिक करके वो हटा दिया इसका आउटलाइन, और यहाँ कंट्रोल क्यू कर दिया, और यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे एक नोड बन गया, इसको हल्का सा आप ऐसे कर दीजिए, को भी इधर से भी ऐसे कर सकते हैं। अब यही जो लिखा हुआ है ये ला करके यहाँ पर हम कॉपी करके ऐसे रख देते हैं। अब भाई देख लिए कितना परफेक्ट बन के तैयार हो गया। अब रह गया ये जो बना हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, यहाँ कुछ और लिखना चाहें, कुछ और लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, या इसे ब्लैंक ही जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन मैंने क्या किया था, यही एक मंडला की डिज़ाइन है, इसमें जो कलर है देख लिए, 40% मैजेंटा और येलो जो है 80% है। यहाँ पर इसको मैंने इसे रख दिया। यहाँ रखने के बाद इसको मैं फ्रंट पे लेके आता हूँ और यहाँ इसका कलर मोड, इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मैं चेंज करता हूँ। सॉफ्ट लाइट, सॉफ्ट लाइट मुझे लगता है ये ज़्यादा ठीक है, सॉफ्ट लाइट भी ठीक लग रहा है। तो आप चाहे इसे रख लें, इसको इसे लगा दें या ना भी लगाएं, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको यहाँ कॉपी करें। अब आप देखेंगे ना, इसका दायरा यहाँ तक आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा लेकिन दायरा यहाँ तक आ रहा है। तो अब इसको हम क्या करें, चाहें तो हम इसको यहाँ से इसे कट कर दें, ये भी तरीका ठीक है। चाहें तो एक जो है हम यहाँ से इसी कॉपी करके उसका कलर नन करके उसके अंदर इसको हम लगा दें। तो अब इसको मैं इसे यहीं से कट कर देता हूँ, अब मैं वहाँ उसके अंदर नहीं लगाऊंगा। लगा सकते हैं चाहें तो हम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ से मैं इसे ऐसे मैंने कट कर दिया, यहाँ से डिलीट करके यही वाला कॉपी करके यहाँ लगा देता हूँ और इसको भी सेंटर में कर लेते हैं। इसका अलाइनमेंट सेंटर हो गया, ये आपका बनके तैयार हो गया। अब आप देख लीजिए भाई, ज़बरदस्त बन गया, कितना लाजवाब, कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन देखने लायक है, बहुत लाजवाब बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से आप मेरे चैनल पर बने रहिए, और मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन के ज़रिए आपको और अच्छे से रिजल्ट लाना है अपनी डिज़ाइनिंग में और चार चांद लगाना है, तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़िए। ऑनलाइन क्लास के ज़रिए आप ये सारी चीज़ें बहुत डीपली सीख सकते हैं। तो चलता हूँ मैं, अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।